हाय गाइस, आज है जयपुर में डे टू। तो आज हम जितने भी जयपुर के फेमस जो जगहें हैं, जैसे कि हवा महल, सिटी महल, फिर पिंक सिटी है, बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो आज हम घूमने जा रहे हैं। उसके लिए हमने कैब बुक की है। कैब के जो चार्जेस हैं वो हमें मिले हैं 2200। थोड़ा बार्गिंग करके आप देखिएगा, ये बहुत ज़्यादा बोलते हैं, तो थोड़ा सा बार्गिंग कर करके हमने 2200 में मना लिया है। फुल डे हमने कैब कर ली है ताकि हम अच्छे से घूम सकें। तो चलिए आज हम जयपुर को एक्सप्लोर करते हैं। कम गाइस, हमारी आज की जर्नी यहाँ से शुरू होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, पूरा बाज़ार जो है पिंक कलर का है, तो इसलिए इसको पिंक सिटी बोला जाता है। आप पूरा जो ओल्ड जयपुर है जिसे पिंक सिटी बोला जाता है, हर एक बाज़ार में आपको यही कलर दिखेगा। और जो आप ये बाज़ार देख रहे हैं ना, अभी तो आपको बिल्कुल थोड़ा खाली खाली सा लग रहा है, बट शाम को जो कि हम बाद में शॉपिंग के लिए जाने ही वाले हैं, तब आप देखेंगे कि जो पूरा आपको दिख रहा है अभी, यहाँ पे पूरी शॉप्स खुली होती हैं, इवन बाहर भी दुकानें लगा देते हैं, ये पूरा शॉपिंग बन जाता है। फ्रेंड्स, फर्स्ट स्टेशन हमने शुरू किया है हवा महल से। बहुत ही सुंदर है हवा महल, बहुत बड़ा है। और जैसे आप इसमें एंटर करेंगे, आप 50 रुपीज़ की टिकट है और उसकी टाइमिंग है 9 to 5:30। तो ये रहा इसका एंट्रेंस टिकट लेने के बाद। तो पहले चलिए आपको मैं बाहर से दिखा देती हूँ कैसा दिख रहा है, फिर हम हवा महल के अंदर चलते हैं। हवा महल, हवा महल जो है ये आप देख सकते हैं, रेड और पिंक सैंडस्टोन जो रहते हैं उससे बनाया गया था। काफ़ी बड़ा महल है और ये 1799 में जो सवाई प्रताप सिंह जी थे, जो कि सन है महाराजा सवाई सिंह जी के, जो कि फाउंडर हैं जयपुर के, उन्होंने बनाया था। हवा महल का इंटीरियर भी देखिए अंदर से कैसा है, ये बहुत ही सुंदर है, काफ़ी अच्छे से इन्होंने मेंटेन करके रखा है। और जयपुर के जितने भी हमने फोर्ट्स देखे ना, बहुत अच्छे से इन्होंने मेंटेन किया है। और हवा महल में टोटल 4 फ्लोर्स हैं। अभी हम सबसे नीचे वाले में थे और चलिए अभी हम ऊपर वाले फ्लोर में चलते हैं। और ये रहा इसका रास्ता, ऐसे ही एक छोटा सा बनाया हुआ है, गोल गोल घूम के आप ऊपर पहुँच जाते हैं। तो देखिए यहाँ से ये ऐसा दिखता है। और अभी हम उसके अंदर चलेंगे। अंदर में पूरा अभी जो आपको रेड दिख रहा था वो अब आपको बहुत करीब से दिखने लगेगा। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं वैसे ये पूरा रेड रेड जितना भी स्टोन का काम है वो सब दिखने लगता है। और हवा महल की खासियत एक और है, इसमें 953 विंडोज़ हैं। ये हवा महल बनाया ही मेन इसलिए गया था कि जितनी भी जो औरतें हैं उस टाइम पे, इसके सामने अगर आप विंडो से देखेंगे तो पूरा बाज़ार आता है, जो जहाँ से हम अभी आए, तो वो बाज़ार से जैसे कोई फेस्टिवल होता था या कुछ, तो जितनी भी औरतें थी वो इस विंडोज़ में बैठ के पूरा देख सकती थी, ताकि वो बाहर देख सकें बट उनको कोई ना देख सके। और दूसरी बात ये भी है कि इतनी सारी खिड़कियाँ हैं तो ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा एक एयरी और कूल महल होता था। तो ये रहा हमारा टॉप फ्लोर जहाँ से ये कुछ ऐसा दिखता है। बस उसके हार्डली 2 मिनट के बाद ही थोड़ा सा दूर चल के आता है जंतर मंतर। जंतर मंतर एक्चुअली इंडिया में 5 हैं, बट यही एक जयपुर में जो है जंतर मंतर सबसे बड़ा है। और दूसरी चीज़ ये है कि फंक्शनल है, मतलब जो भी इसमें जो टाइमिंग दिखाता है, जो राशिज़ हैं वो वैलिड हैं। सो इस जंतर मंतर में 19 इंस्ट्रूमेंट्स हैं। सबसे बड़ा सन डायल ये रहा वर्ल्ड का, इसी जंतर मंतर में है। ये आपको हर 2 सेकेंड के बाद टाइम चेंज दिखाता है। ये 1728 में बनाया गया था और
तब कितनी बड़ी बात है कि उस टाइम बनाया गया था और आज भी ये फंक्शनल है, कितना एक्यूरेट बनाया गया था उस ज़माने में भी। 300 साल पुराना है ये, और ये 12 राशियाँ जो हैं वो हैं, ये सब आपको बताती हैं लाइट के, सन लाइट के हिसाब से कि कौन सी राशि इस टाइम पर चल रही है। ये यंत्र है जिसका नाम है रामा यात्रा। आप देख सकते हैं पूरा गोल गोल राउंड शेप में बनाया गया है। तो अगर इसका कैलकुलेशन की बात करें तो आपको पता है जो पृथ्वी है, अर्थ है, वो 24 आवर्स में एक राउंड कंप्लीट करती है। तो आप जो बीच में एक लोहे का स्टिक देख रहे हैं उससे ये कैलकुलेट किया जाता है कि कहाँ पे उसकी परछाई गिर रही है सनलाइट के द्वारा। उस हिसाब से ये कैलकुलेट किया जाएगा कि जो हमारी अर्थ है इस टाइम पे किस एंगल, किस एक्सिस पे, डिग्री पे है। तो ये उसके लिए यूज़ किया जाता है कैलकुलेशन के लिए। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि जंतर मंतर काफ़ी बड़ा है। मैं फर्स्ट टाइम किसी जंतर मंतर में आई हूँ और मुझे बहुत ही सुंदर लगा ये। तो गाइज एक और हम देख लेते हैं, ये भी काफ़ी बड़ा है। इसके दो पार्टों में इनको डिवाइड किया गया है। इसमें भी यही है कि राशिज़ लिखी गई हैं हर एक लाइन पे, और जहाँ पे सनलाइट चल गिरती है वो राशि प्रेजेंट में चल रही होती है। और समझ लीजिए किसी बेबी का जैसे बॉर्न हुआ और इस टाइम वो राशि चल रही है, तो वैसे कैलकुलेट किया जाता है कि उस बेबी का जो राशि है वो ये होगा। तो ये रहा हमारा जंतर मंत्र, बहुत ही सुंदर है। आप अगर जयपुर आए तो जंतर मंतर तो ज़रूर जाइएगा। अभी हम आए हैं नागर फोर्ट, इसके अंदर शीश महल काफ़ी जगह है, म्यूज़ियम भी है, देखते हैं क्या क्या हम देखेंगे। इसके अंदर की जो एंट्रेंस है वो 50 रुपीज़ है, उसके बाद शीश महल और उसकी 500 है। बट हमने जितना भी देखा उसमें यही बोला कि बहुत सुंदर है, तो इसलिए हम देखने वाले हैं। सो लेट्स गो। अलग से सेपरेट टिकट सभी इंडियंस के लिए 500 रुपीज़ पर पर्सन का होगा। इसी में आप शीश महल देखेंगे जिसका पूरा फ्लोर कांच का है, इसके ऊपर आप चल के और घूम के देखेंगे। इसी में 10 मिनट का एक ऑडियो गाइडेड टूर होगा, उस टूर में ही पूरी जानकारी मिलेगी। हमारा स्टाफ रहेगा, दिखाएगा, जितनी देर शीश महल में आप रहेंगे कांच के फ्लोर पर चलेंगे। सो गाइस जैसे आपने सुना ही होगा बट मैं जल्दी से रैप अप कर दूं, तो जैसे आप इस फोर्ट के अंदर आते हैं पहले दो म्यूज़ियम है और शीश महल है जो आपको देखने के लिए मिलता है, जिसका कॉस्ट 500 है। बट कहीं पे भी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। बट हाँ, म्यूज़ियम में ये आपकी फ़ोटोज़ खींचते हैं, कुछ चार्जेस लगते हैं। बट शीश महल में आप फ़ोटो ना खींच सकते हैं, ना कोई मतलब पैसे दे के भी आपका कोई ऐसी सुविधा नहीं है जिससे ये फ़ोटो खींचते हैं। तो शीश महल का मेरे पास एक भी फ़ोटो नहीं है, बट म्यूज़ियम में हमने फ़ोटोज़ खिंचवाई थी, तो म्यूज़ियम में आपको फ़ोटोज़ के ज़रिए थोड़ा सा दिखाती हूँ। आप यहाँ पे पपिट शो, मैजिक शो भी इंजॉय कर सकते हैं, पॉट भी बना सकते हैं मिट्टी का, ये सब फ्री है। तो गाइस ये ब्लॉग बहुत ही लंबा हो रहा है, तो मैं आपकी आगे की जर्नी जो है नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करती हूँ। टिल देन बी हेल्दी, बी सेफ, बाय बाय।